रिदरपुर लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में रविवार को कैंपियरगंज सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते के कराए जा रहे कैप्सूल कोर्स प्रशिक्षण के दूसरे दिन कानून की बारीकियों के साथ साथ आत्मरक्षा के भी गुण सिखाए गए और किसी भी आपातकाल स्थिति में पब्लिक के बीच जाकर उनसे कुशल व्यवहार स्थापित कर समन्वय बनाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में सीओ लाइन सुमित शुक्ला ने बताया कि शेरनी दस्ते को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें समाज में लोगों से बेहतर समन्वय स्थापित करने और पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। प्रशिक्षण के दौरान शेरनी दस्ता ट्रेनिंग कमांडर संतोष यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ लाइन सुमित शुक्ला ने कहा, इसको पुश करेंगे आप तो इसकी जो है कि अब हो जाए कि नहीं, यहाँ से पुश करने पे उसकी कोहनी टूट सकती है। ये है अगर आपका कोई बाल पकड़ लेता है, ये मान लो कि इसने गला पकड़ लिया, इसको दोनों हाथ अल्टरनेटिव ले जाएंगे और किक भी मारेंगे। ये एक्शन पूरा होना चाहिए, ये ठीक ना, पूरा पूरा पैर मार रहा है, उसके बाद पीछे से गर्दन पकड़ेंगी, लगता है रखते हुए अपने कंधे से पिसलने नहीं देंगे, आगे खींच करके उसको अपने तरफ, ये तो यहाँ से अगर हाथ खींचा जाएगा तो उसकी दोनों कोहनी टूट जाएगी। ये है तरीका, पूरा थोड़ा सा पुश करो आगे की तरफ, तो हाँ आगे की तरफ पुश करो, आपने गलत पकड़ा है। अरे पीछे से कवर पकड़ो, ये आपको एक्शन करना है, एक्शन कैसे बचना है, ये हाँ ये ऐसे उठा लेते हैं, ठीक ना, इसका हाथ ऐसे मारो झटके से और इधर घूम जाओ, दूरी बनाना, इसे अगर हमें इसे सटेंगे तो हमको इधर जाएंगे, ठीक है ना, ये दूरी बना देना। घूम करके पूरा उसका दोनों हाथ पकड़ के जरा ऊपर चढ़ाओ, मोड़ के घुमा देना, मोड़ के घुमाओ उसको, मोड़ के आगे ये दोनों हाथ पकड़ के ऊपर ले जाना, ऊपर ये कुछ कर नहीं पाएगा आदमी। लाठी मारते समय हमेशा ध्यान दिया जाता है ये पुलिस लाइन में हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से 100 गाड़ियां हमको सीएसआर फंड के तहत प्राप्त हुई थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक श्रेणी दस्ता गठन किया गया है, जिसमें शहर के सभी थानों में 4-4 गाड़ियां जबकि ग्रामीण थानों में 2-2 गाड़ियां दी गई हैं। इस पे महिला आरक्षी ही इन गाड़ियों को चलाएंगी, उनको श्रेणी दस्ता का नाम दिया गया है। जो आरक्षी इन गाड़ियों पे तैनात होंगी उनके लिए एक बेसिक ट्रेनिंग का कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक सर्किल में के लिए 3-3 दिन का कोर्स कराया जा रहा है। शहर की समस्त सर्किलों का कोर्स पूरा हो चुका है, ग्रामीण सर्किलों का इस समय ट्रेनिंग चल रही है। ये सभी महिला आरक्षियों को बेसिक ट्रेनिंग, थोड़ा कानून की जानकारी, इसके अलावा सेल्फ डिफेंस के बारे में भी इनको बताया जा रहा है, साथ ही इनको कंट्रोल और वायरलेस सेट के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। निश्चित रूप से ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है और ये महिलाएं जब निश्चित रूप से गश्त करेंगी तो जो आम महिलाएं हैं उनमें निश्चित एक सुरक्षा का बोध अवश्य होगा।